हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज है 21 अक्टूबर और पहले ही दिन हफ्ते के काफ़ी वोलेटाइल सिचुएशन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में देखने को मिला। निफ्टी देखे तो 72 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है और बैंक निफ्टी 131 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। सबसे पहले ये 5 मिनट का निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। गैप अप तो ओपन हुआ था, जो सेकेंड टारगेट हमने मार्क किया था, फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट, उसके भी ऊपर वो ये ओपन हुआ। शुरू में तो कोई ट्रेड नहीं बना, जैसे ही वन वे टूवर्ड साउथ की तरफ आया, ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट इजीली अचीव हुआ। बाद में ऊपर जाते वक्त ब्रेकडाउन लेवल के पास रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, फिर नीचे आया, ऊपर जाते वक्त फिर इसने ब्रेकआउट लेवल के पास एग्जैक्ट इसने रेजिस्टेंस फेस किया और फिर दोबारा से नीचे आया। तो ओवरऑल देखे तो ट्रेंड तो आज डाउन साइड का ही था, क्योंकि ऊपरली लेवल पे ये ओपन हुआ था, फिर बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन फेल हो रहा था और टूवर्ड साउथ में आके ये क्लोज़ हुआ। तो क्लोज भी देखिए कहाँ पर हुआ है, जहाँ पर हमारा सेकेंड टारगेट का लेवल था ऑलमोस्ट उसी के पास आके ये क्लोज़ हुआ है। तो काफ़ी वोलेटाइल मोमेंट आज निफ्टी में देखने को मिला। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं वो देखते हैं, लेकिन सबसे पहले डेली चार्ट को एक बार देख लेते हैं। डेली चार्ट में आपको याद होगा हम 24,800 के लेवल की सपोर्ट की बात कर रहे थे, लेकिन इसने ये लास्ट हफ्ते में तोड़ दिया था और उसके नीचे आके इसने गैप डाउन ओपनिंग दिखाई थी, लेकिन नीचे ये 100 EMA का ये जो ग्रे लाइन दिखा रहा है ये अभी फिलहाल 24,485 के आसपास है। राउंड फिगर कर लेते हैं 24,500 के पास सपोर्ट दिखा रहा है और ये वीकली चार्ट में एग्जैक्ट इसने लास्ट वीक आप देख सकते हैं जो लो लगाया, ये जो पिंक लाइन है इसका एग्जैक्ट इसने पिंक लाइन को टच करके ऊपर आके क्लोज हुआ है। अभी हफ्ते के पहले दिन एक बार फिर से यहाँ पर रेड जैसा कैंडल यहाँ पर क्रिएट हुआ है, लेकिन जब तक वीकली चार्ट में ये पिंक लाइन नहीं टूटता, इसके नीचे क्लोज नहीं होता, तब तक हम कह सकते हैं कि अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए निफ्टी में अप ट्रेंड बना हुआ है। तो वीकली चार्ट में फिलहाल ये 24,578 के पास है और डेली चार्ट में देखें तो ये जो ग्रे लाइन है ये अराउंड 24,485 यानी 500 के आसपास है और ऊपर जाने के लिए इसको ये ब्लू लाइन और पिंक लाइन 20 EMA 50 EMA को कम्प्लीटली ब्रेक करना होगा ऊपर की तरफ। तो हम कह सकते हैं कि फिर से यहाँ पर एक हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ऊपर ये दो लाइन का रेजिस्टेंस है और नीचे ये जो ग्रे लाइन देख रहे हैं वो सपोर्ट का लाइन है जो कि 24,500 के आसपास है। चलते हैं अभी 60 मिनट के चार्ट के ऊपर। 60 मिनट के चार्ट में जैसे कि हमने यहाँ पर पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था लास्ट वीडियो में भी, यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म मिड टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों मूविंग एवरेजेस डिसेंडिंग ऑर्डर्स में है और इसके नीचे निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा है तो ये डाउन ट्रेंड का पैटर्न कहलाया जाता है। तो अभी कल के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा 24,720। आज का जो लोएस्ट क्लोजिंग लेवल है 60 मिनट के चार्ट का वो हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट होगा 24,697 और सेकेंड टारगेट होगा 24,677। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ऊपर की तरफ आता है तो देखिए पिंक लाइन को इसने किस तरह से पेनेट्रेट किया है। 2 घंटा इस पिंक लाइन को ये पेनेट्रेट कर रहा था, ऊपर जा रहा था लेकिन नीचे आके क्लोज हुआ है। तो पिंक लाइन के जस्ट ऊपर हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा अराउंड 24,823 और फर्स्ट टारगेट तभी बनेगा अराउंड 24,841 और सेकेंड टारगेट होगा 24,863। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लेवल्स। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम निफ्टी जैसा ही पैटर्न देखने को मिला। सेकेंड टारगेट के भी ऊपर बैंक निफ्टी ओपन हुआ लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया यहाँ पर और टूवर्ड साउथ की तरफ आया, तभी ब्रेकडाउन लेवल का सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फर्स्ट टारगेट का सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया तो ब्रेकडाउन लेवल के बाद फिर से एक बार फर्स्ट टारगेट के पास इसने सपोर्ट लिया और एग्जैक्ट लास्ट के जो 10-15 मिनट बचे थे तभी सेकेंड टारगेट भी यहाँ पर अचीव हुआ। तो निफ्टी जैसा ही बैंक निफ्टी का आज हाल देखने को मिला। काफ़ी वोलेटाइल मूव्स आज देखने को मिले। अभी चलते हैं 60 मिनट के चार्ट के ऊपर। 60 मिनट के चार्ट पर यहाँ पर एक पॉजिटिव बात यह है कि बैंक निफ्टी अभी तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है लास्ट 2 दिन से। तो कल के लिए हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा अराउंड 52,065। ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 52,121 और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 52,191। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो ग्रे लाइन हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा 51,826। उसके नीचे फर्स्ट टारगेट होगा ये ब्लू लाइन जो कि अराउंड 51,766 के पास है
और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 51,699, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो यह है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। और आज के लिए कोई हाई पोटेंशियल स्टॉक फाइंड नहीं हुआ, तो कल ज़रूर होगा। सो देखते रहिए ट्रेडिंग फैब। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। छोटा सा इंट्रो ट्रेडिंग फैब के बारे में। ट्रेडिंग फैब एक ऑथराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है, एंजल ब्रोकिंग है। अगर आप इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे अंडर ओपन करते हैं तो हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम चैनल की मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। तो आपको करना क्या है, सपोज आपको जीरोधा में अकाउंट ओपन करना है तो आपको जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है तो एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। आपको आपके डिटेल्स यहाँ पर एंटर करना है, कंटिन्यू करना है तो आगे की ऑनलाइन अकाउंट प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है, काफ़ी सेफ है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो एक दिन में आपका अकाउंट ओपन हो सकता है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको इस नंबर पे कॉल करना है हमें, ताकि आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके।